नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। आज हम डेरा सच्चा सौदा पहुंचे हैं। यहां बहुत बड़ा खूनदान कैंप लगा हुआ है। हां, हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं उनके खून कौन से ब्लड बैंक से आए हैं, किस लिए यहां आए हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम शीतल कुमार है। मैं नवीन हॉस्पिटल दादरी ब्लड बैंक से हूँ। ओके सर, आपका आज कितना टारगेट है ब्लड लेने का? हमारा टारगेट था 200+, बट 150 हो पाया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी भी लोग भारी मात्रा में खूनदान करने के लिए आ रहे हैं। सर, आप और भी कहीं जाते हो खूनदान करने के लिए और आप यहाँ भी आए हो, क्या आपको डिफरेंस लग रहा है उनके बीच और यहाँ के बीच? सर, मैंने देखा है कि हर जगह हमको मोटिवेट करना पड़ता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को मोटिवेट करना पड़े। लोग खुद ही आकर अपने आप ही ब्लड डोनेट कर रहे हैं और वो इसको बहुत बड़ा पुण्य समझते हैं। सर, एक यूनिट ब्लड आप लेते हैं, एक यूनिट ब्लड से कितने लोगों की जान बच जाती है? एक यूनिट ब्लड से 2 लोगों की जान बच सकती है। यहाँ और भी बहुत सारी भी लगभग 20-25 के अराउंड टीमें आई हुई हैं, तो आज के दिन में कितनी जिंदगी को ये डेरा सच्चा सौदा जिंदगी को बचा देगा? आज लमसम ऐसे तो कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन लाखों की संख्या में बचाया जा सकता है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। यहाँ डॉक्टर साहब का कहना है कि बहुत भारी तादाद में लोग खूनदान कर रहे हैं और इनसे हम ये जानते हैं कौन है इनके पीछे जो इनको मोटिवेट कर रहा है, जिसके कहने पर ये खूनदान कर रहे हैं। इनके मोटिवेट करने वाले तो जो इनकी संस्था से जुड़े हुए जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी हैं, और बाबा राम रहीम जिनका पूरा सहयोग है यहाँ पर, और उन्हीं की वजह से ये जो कैंप लगा है और उन्हीं की देन समझते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।